अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 25 था जो इकोसिस्टम, उसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट एसोसिएशंस के बारे में, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उन्हें फीडिंग के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है, वो खुराक हासिल करते हैं एक दूसरे से। तो उनके दरमियान कोई ना कोई बाहमी तलकात हैं, इंट्रैक्शन हैं, उनके दरमियान एसोसिएशन हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कि प्रीडेशन क्या होती है, ठीक है। ये जहां से टॉपिक स्टार्ट होता है वहां पे इसकी डेफिनेशन है, एनिमल दैट प्रीज ऑन अनदर एनिमल इज कॉल्ड प्रीडेटर। ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल से अपनी खुराक हासिल कर रहा है उसको हम नाम देते हैं प्रीडेटर का। एंड व्हिच इज कॉल्ड एंड बीइंग ईटन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको उसने खाया है, पकड़ के खाया है, उसको हम नाम देते हैं प्रे का, ठीक है। प्रीडेटर हो गया शिकारी और प्री हम कहते हैं जी शिकार को, जिसको उसने अपना शिकार बनाया। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, प्रीडेशन का, ठीक है। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्री है और प्रीडेटर है उसके दरमियान एक रिलेशनशिप होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कैट और माउस की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो बिल्ली है वो चूहे को खा रही है किसी भी इकोसिस्टम में। इसकी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैट और माउस की। तो जब नंबर ऑफ कैट्स इंक्रीज होंगी और माउस भी उस इकोसिस्टम में ज्यादा होंगे तो कैट्स उसको खाना शुरू करेंगी, ठीक है। अब क्या होगा कि उन्होंने जब ज्यादा चूहे खाए हैं तो माउस का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब इसका नंबर डिक्रीज होगा तो जो फूड सप्लाई है इन कैट्स के लिए वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब फूड सप्लाई कम होगी तो ये डाई करना शुरू करेंगे और ऑब्वियसली क्या होगा कि कैट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। जब कैट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ये डाई होगी है, तो माउस का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है जो प्री है और उसका प्रीडेटर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है दूसरी एसोसिएशन, देखेंगे पैरासाइटिज्म और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है। पैरासाइटिज्म है जी एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, प्रोवाइडिंग द पैरासाइट विद फूड एंड प्रोटेक्शन। ये किसी भी होस्ट और पैरासाइट के दरमियान एक एसोसिएशन है। होस्ट जो इसका मेजबान है, मतलब पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, अंदर या बाहर रह रहा है, उसको हम नाम देते हैं होस्ट का, ठीक है। और अब क्या होता है कि ये एसोसिएशन होस्ट और पैरासाइट के दरमियान है। अब पैरासाइट होस्ट से, अपने होस्ट से क्या क्या ले रहा है, फूड और प्रोटेक्शन, खुराक भी असर कर रहा है और सर्वाइवल भी, वहां पे सर्वाइव भी उसके अंदर या बाहर कर रहा है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन को हम पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं। अब वहां पर एक टर्म यूज कर रहा है इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो इन्फेस्टेशन हम बोलते हैं ऐसी डिजीजेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट की वजह से होती हैं, ठीक है। डिजीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कॉज्ड ड्यू टू पैरासाइट्स, पैरासाइट की वजह से जो डिजीजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है उसको नाम देते हैं इन्फेस्टेशन। अब पैरासाइट्स की दो टाइप्स होती है, ठीक है, एंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स वो वाले पैरासाइट्स हैं दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी, ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं उसको हम नाम देते हैं एंडो पैरासाइट। जैसे टेपवर्म में, मैन की इंटेस्टाइन में टेपवर्म्स होते हैं। तो जो एक्टो पैरासाइट्स हैं द पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड द बॉडी, ऐसे पैरासाइट जो बॉडी से बाहर रह रहे हैं, जैसे उसकी एग्जाम्पल हम देते हैं लीच की, ठीक है। तो वो हो गया एक्टो पैरासाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो एसोसिएशन है वो है सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस इसमें क्या होता है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग बेनिफिट टू बोथ। ये ऐसी एसोसिएशन है जिनमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। इसमें तो हम देख रहे हैं कि खाली होस्ट अपने जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट से फायदा ले रहे हैं, लेकिन ये वो वाली एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है। तो उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं रूट नेड्यूल्स की, रूट नेड्यूल्स बैक्टीरिया, और सेकंड एग्जाम्पल है आप माइकोराइजिया की लेते हैं, ठीक है। तो रूट नेड्यूल्स में क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन लेग्यूम प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ये जो एसोसिएशन है ये लेग्यूम प्लांट्स और बैक्टीरिया के दरमियान है, या इसकी जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है अगर हम ये देखते हैं तो जो लेग्यूम प्लांट है ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जो बैक्टीरिया है वो इस लेग्यूम प्लांट से फूड और प्रोटेक्शन ले रहे हैं। अब रिटर्न में बदले में ये इसे क्या दे रहा है, जो रूट नेड्यूल बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं और दोबारा से इसे कन्वर्ट कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है।
अब देखिए लेग्यूम प्लांट्स बैक्टीरिया को ये वाला फायदा पहुंचा रहे हैं, और बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो वाले ये अमोनिया को अमाइनो एसिड्स को ये लेग्यूम प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है जी माइकोराइजिया। माइकोराइजिया एसोसिएशन है एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में, ठीक है, हायर वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं और साथ में फंजाई, इन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको हम नाम देते हैं माइकोराइजिया। अब इसमें क्या होगा, ये एक प्लांट है, हायर प्लांट है, वस्कुलर प्लांट है, पाइन प्लांट, तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को। ठीक है, फंजाई को एंजाइम प्रोवाइड कर रहा है जिस एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और रिटर्न में फंजाई से क्या दे रही है, फंजाई अब्सॉर्ब कर रही है मिनरल्स और आयंस को, और वो वाले मिनरल्स और आयंस आ रहे हैं इस प्लांट के अंदर। ठीक है, ये से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम देगा और फंजाई रिटर्न में बदले में से क्या देगी, मिनरल्स एंड आयंस। नेक्स्ट एसोसिएशन हमारे पास वो है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, हमने इसे लास्ट पे पढ़ी थी सिंबायोसिस, और सिंबायोसिस और म्यूचुअलिज्म ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ये भी सिंबायोसिस की तरह की एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। इसमें हम पहले एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक में जो दी हुई है, फ्लावरिंग प्लांट्स और इंसेक्ट्स के दरमियान जो एसोसिएशन हो रही है। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो नेक्टर हासिल कर रहे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स से। ठीक है, और रिटर्न में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स के विंग्स के साथ लग जाते हैं। ठीक है, और पोलिनेशन में उनको मदद हो जाती है। तो इससे मुराद यह है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पोलन्स की पोलिनेशन आगे हो रही है। ठीक है, उन इंसेक्ट्स की मदद से, और इंसेक्ट क्या हासिल कर रहे हैं, नेक्टर हासिल कर रहे हैं उन फ्लावरिंग प्लांट से। दूसरी जो इसमें एग्जाम्पल दे रहा है वो है लाइकन्स की। ठीक है, तो लाइकन्स हम पढ़ते हैं एसोसिएशन बिटवीन एलजी एंड फंजाई। ठीक है, एलजी और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइकन है ये प्रोवाइड कर रहा है, फंजाई जो है एलजी को प्रोवाइड करता है शेल्टर और मिनरल्स और आयंस। ठीक है, और रिटर्न में जो एलजी है वो क्या ऐसे प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। ठीक है, जो फंजाई है वो शेल्टर मतलब बना दे रहा है और मिनरल्स और आयंस दे रहा है एलजी को, और एलजी बदले में उसको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट एक और एसोसिएशन आपके पास आ जाती है जी कॉमन सिलीजन। कॉमन सिलीजन में क्या होता है, ये ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई असर नहीं है, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट द अदर इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं शार्क और रेमोरास की। ये दो फिशेज हैं, जो शार्क फिश है ये क्या करती है, जो रेमोरास फिशेज हैं ये इस शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं। ठीक है, अटैच होती हैं। अब शार्क जो अपना शिकार करती है, ये जो शार्क किसी भी चीज को शिकार करती है तो उसको खा रही है, जो छोटे पीसीज गिरते हैं वो वाले जो पीसीज हैं वो रेमोरास फिश अपने फीडिंग के तौर पर उसको इस्तेमाल कर लेती है। अब जो शार्क फिश है इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा लेकिन जो रेमोरास फिश है ये इससे अपनी फीडिंग ले रही है, अपनी खुराक ले रही है। तो वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है और दूसरा सेकेंड वन इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, दूसरे पे कोई असर नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होती है, जैसे डिफरेंट एनिमल्स हैं गोट शीप कोज ये सारी चीजें फीड करती हैं ग्रासेस के ऊपर। ठीक है, ये घास खाती हैं। तो जो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ फीडिंग है उसको हम नाम देते हैं कि ग्रेजिंग का। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं उसको हम नाम देते हैं ग्रेजर्स। द एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रासेस, ऐसे एनिमल्स जो ग्रासेस को खा रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं जी ग्रेजर्स का। अब वो हमें ग्रेजिंग के टॉपिक में एक चीज बता रहा है कि किसी भी जो इकोसिस्टम है अगर उसमें वहां पे छोटे ग्रासेस मौजूद हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं। ठीक है, तो जब हूव्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी खुर होते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास काउज हैं या गोट्स हैं, तो जब हूव्ड एनिमल्स वहां पे ज्यादा ग्रेजिंग का अमल करेंगे तो क्या होगा कि जो वो वाली साइल होगी वो ट्रैम्पल हो जाएगी। ट्रैम्पल का बेसिक मतलब होता है रौंद देना। ठीक है,
अब जो उसमें ग्रासेस लगी होंगी, हर्ब्स और श्रब्स होंगी, उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो वाली साइल है जो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब बारिश होती है तो जो पानी आ रहा है बारिश का, वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर से उस साइल से बह जाएगा, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। जब पेनिट्रेट नहीं होगा, मॉइस्चर जो सूटेबल चाहिए उन ग्रासेस को, हर्ब्स को, श्रब्स को दोबारा ग्रो करने के लिए, वो उनको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि वो ग्रासेस वहां पे ग्रो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी जो ग्रेजिंग का प्रोसेस है या ग्रेजर्स को फीडिंग का, अगर हमने उनका ख्याल रखना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि मॉडरेट ग्रेजिंग कीजिए। मॉडरेट ग्रेजिंग है कि वो वाला जो एरिया है, वो वाला जो इकोसिस्टम है, 50-60% वहाँ पे जो ग्रेजिंग का प्रोसेस है वो हो। ठीक है, अगर ज्यादा एनिमल्स वहाँ पे ग्रेजिंग का प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा कि वो जो उनके हूव्स हैं, उनके जो खुर हैं, उनकी वजह से क्या होगा, जो ग्रासेस हैं वो डाई हो जाएंगी, हर्ब्स और श्रब्स भी डाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा जी, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, उसके बाद सिम्बायसिस और म्यूचुअलिज्म। ये दोनों ऐसी एसोसिएशन हैं जिनमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है। जैसे ये लाइकेंस उसकी एग्जांपल है, हमने ली थी फ्लावरिंग प्लांट्स और इंसेक्ट्स की। देन आ जाता है कंपेंसेशन, के वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड, दूसरे को पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी एग्जाम्पल शार्क और एम्बरास है, और ग्रेजिंग का प्रोसेस है। और अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।